के हेडलाइन के प्रायोजक हैं एशप्रा। जिला प्रशासन के कार्रवाई के बावजूद नहीं माने लेखपाल, उत्तर प्रदेश लेखपाल संघ के बैनर तले लेखपालों का अनिश्चितकालीन धरना रहा जारी। चौरी चौरा क्षेत्र में अज्ञात महिला की मिली लाश, गला दबाकर की गई हत्या, एसपी नॉर्थ ने कहा जल्द होगा खुलासा। खोरा बार में अज्ञात बदमाशों ने ऑटो चालक की गोली मारकर की हत्या, एसपी नॉर्थ ने कहा जल्द होगा खुलासा। जिलाधिकारी की अध्यक्षता में संपन्न हुई परिभ्रामी अध्यापकों की बैठक, कहा अभिभावक बनकर करें दिव्यांग बच्चों की सेवा। तिवारीपुर थाना क्षेत्र के अमृतानी बगिया में मिली युवक की लाश, एसपी नॉर्थ ने बताया पोस्टमार्टम के बाद होगी स्थिति स्पष्ट। जंगहा थाना क्षेत्र में एक व्यक्ति की हुई मौत, एसपी नॉर्थ ने बताया करंट लगने से मौत की आशंका। अवैध कच्ची शराब के ठिकानों पर पुलिस ने मारा छापा, तोड़ी भट्टियां, एसपी नॉर्थ एवं प्रभारी एसएसपी ने कहा नहीं चलने दिया जाएगा अवैध शराब का धंधा। जिलाधिकारी की अध्यक्षता में संपन्न हुई जिला भूमि एवं संरक्षण समिति की बैठक, कहा कृषि योग्य भूमि को बढ़ाने की है जरूरत। क्षेत्रीय सेवा योजन कार्यालय परिसर में आयोजित हुई निःशुल्क प्रशिक्षण एवं कौशल विकास कार्यशाला, वक्ताओं ने कौशल विकास योजना के माध्यम से रोजगार के अवसर के लिए दिए गए कई टिप्स। जनता दर्शन में जिलाधिकारी लगातार सुन रहे फरियादियों की फरियाद, हर उम्र हर वर्ग के लोग पहुंच रहे हैं डीएम दरबार। 14 जुलाई को गोरखपुर आएंगे गन्ना विकास एवं चीनी मिल प्रौद्योगिकी विकास राज्य मंत्री सुरेश राणा। 7वां वेतनमान लागू करने पर रोडवेज कर्मचारी संयुक्त परिषद ने क्षेत्रीय कार्यालय पर मिठाई खिलाकर दिया एक दूसरे को बधाई। और एक हफ्ते में पूरी तरह से दूर होगी एंटी रेबीज इंजेक्शन की समस्या, उत्पादन से ज्यादा मांग होने पर आ रही है समस्या।